नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं ब्लॉगर्स टेक लाइफ। आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आज मैं बताने जा रहा हूं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, यानी कि ये है बैंक की तरफ से अपडेट, यानी कि आरबीआई ने एक इंस्ट्रक्शन जारी की थी 31 दिसंबर 2018 तक जो बंदे ये डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे थे जिसके अंदर सिर्फ एक ब्लैक मैग्नेटिक स्ट्रिप थी और इसके अंदर एक चिप कार्ड नहीं था, तो वो कार्ड 1 जनवरी 2019 से बंद हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ उससे आप एक सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे कैश विड्रॉ करना चाहते हैं या फिर जाके कहीं शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो कार्ड आपको शो करेगा इनवैलिड। जिसमें आरबीआई ने अपने बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिया था कि जितने भी बैंक के कस्टमर्स हैं वो अपने डेबिट कार्ड को बैंक से एक्सचेंज करा लें जिसके अंदर चिप कार्ड हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक एसोसिएशन है जिसे हम कहते हैं यूरोपे मास्टर कार्ड वीज़ा, यानी कि EMV। आपने सुना होगा मार्केट के अंदर कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग हो रही थी, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए बेसिकली इनमें चिप कार्ड यूज़ करा गया है। यानी कि आप सिर्फ इस चिप कार्ड के थ्रू ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सिर्फ ये मैग्नेटिक ब्लैक मैग्नेटिक स्ट्रिप है तो इससे आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को एक्सचेंज नहीं कराया बैंक से, तो वो फटाफट जाके करा लें, क्योंकि आगे जाके उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और जो लोग करा चुके हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि जितने भी अब जो नए कार्ड इशू किए जा रहे हैं कस्टमर्स को या जितने भी बैंक्स के अंदर जो लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं उनके जो भी कार्ड इशू हो रहे हैं नए कार्ड, वो चिप कार्ड के साथ ही, चाहे वो डेबिट हो, क्रेडिट हो या ATM कार्ड हो, उनको सिर्फ ये चिप कार्ड ही इशू हो रहा है। इसमें क्या बोलते हैं, चिप कार्ड अगर नहीं है तो वो वैलिड नहीं है। अब चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ये इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे देना था जो मैं आपको दे चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर डालिएगा, क्योंकि बिना कमेंट के मैं आगे आपको वीडियो अच्छी वीडियो नहीं दे पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।